शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपकी विसातत से पूरे हाउस के सामने रखने जा रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये मस्जिद दीवान जो है ये 22-23 करोड़ लोगों की दानिशगाह है और लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनके मसाइल को यहाँ डिस्कस करेंगे और उसका फिर कोई हल निकालेंगे। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल मेम्बरान कराची ने एक मसला उठाया और एक जेन्युइन मसला है और मेरे इल्म में है कि ये बहुत पुराना मसला है, जब से ये के इलेक्ट्रिक का वजूद सामने आया है तो कराची के लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ, उनकी मुश्किलात हैं, लोड शेडिंग है और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो एक मसले की बात है जनाब चेयरमैन, लेकिन मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं ये देख रहा हूँ कि दो साल से इस असेंबली को बारज़ वजूद में आए दो साल हो गए हैं, दो साल में हमने मसाइल को अगर किसी ने को उजागर किया तो हमने उसको ज़ाती अना का मसला बनाकर ज़ातियात पर हमले किए, हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से दस्तोगरेबां होने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जनाब चेयरमैन, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमने अपने आप को एक तमाशा बनाकर दुनिया के सामने रख दिया और अब हालत तो ये हो गई है कि हम कोई भी मसला यहाँ पर उठाया जाता है तो उस पे एक बड़ा गंदा सीन सामने आता है। पिछले इजलास में आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ, मैं यहाँ मौजूद नहीं था लेकिन जो मैंने टेलीविज़न पे देखा, जो मैंने लोगों से उस पर कमेंट सुने, जो मैंने लोगों से बातें सुनी, तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। नवीद कमर बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ा शरीफ नफ्स इंसान है, खामोश है, खामोश तबाह हैं और इनमें कोई एग्रेसिवनेस कभी भी नहीं हुई, लेकिन उस दिन ये भी कोर्ट उतार कर झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से इस्तदा करूंगा तमाम मेंबरान को, तमाम पार्टीज को, कि हमारे इस रवैये से, हमारे इस रवैये से जनाब चेयरमैन इस मुअज्ज़ज़ ईवान का तकद्दस मजरू होता है और पाकिस्तान के अवाम की जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे उनको मायूसी हो रही है हमारे इस किरदार की वजह से। तो मैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के ईवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए हमें अपना ये वतीरा बदल देना चाहिए, हमें इस ईवान को पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे के तकद्दस को मजरू करना जो है, आखिर उसके लिए इस ईवान की ज़रूरत नहीं जनाब चेयरमैन साहब? उसके लिए तो हम किसी जलसे में भी गालियां दे सकते हैं, हम तो किसी गली और चौराहे और नुक्कड़ पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं। इसलिए जो संजीदा टॉपिक सामने आए उसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए और हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग जब हमारी कार्रवाई देखें तो हम पर हंसें या हम पर आवाजें कसें। बहुत